हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज टाइम में स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की शॉर्ट ट्रिक्स लाई हूँ। क्वेश्चन वन में 30^3x-2-1=0 को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इस माइनस वन को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस वन हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी 30^3x-2=1। अब इस वन को हम लिख सकते हैं 30^0। तो 30^3x-2=30^0। अब बेस सेम है तो हम पावर्स को इक्वेट करेंगे। इससे 3x-2=0 हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम माइनस टू को उधर ले जाएंगे, प्लस का 2 हो जाएगा। अब इस 3 को भी इक्वल के साइन के उधर लेके जाएंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। ऊपर है, जब इक्वल के इधर आएगा तो नीचे चला जाएगा। तो x=2/3 इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3^x+2+3^x+5=28। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए 3^x+2 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर आएगा 1 प्लस, अब 3^x+5 में से x+2 को माइनस कर देंगे तो x और x तो कैंसिल हो जाएंगे। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 3^3=28 हो जाएगा। 28। अब 3^3 की वैल्यू इसमें लिखेंगे। 3^3 मीन्स 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 27। अब 27 में 1 ऐड कर देंगे तो 28 आ जाएगा। इस टर्म को ऐसे लिख देंगे यहाँ पर। अब इस 28 को इधर ट्रांसपोज करेंगे हो जाएगा 3^x+2=28/28। तो ये 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 को हम लिख सकते हैं 3^0। तो 3^0 जो है 3^x+2 के इक्वल हो जाएगा। अब बेस हमारे सेम है 3, तो पावर्स को इक्वेट कर देंगे। x+2=0। अब 2 इधर ले जाएंगे इक्वल के तो x=-2 आ जाएगा। यही आंसर है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।